हेलो फ्रेंड्स, इन इस कंपनी की शानदार पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पार्टी इन इस कंपनी के एक और बढ़ते हुए कदम का जश्न है। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा मर्जर करने जा रही है और ये पार्टी इस जश्न की सिर्फ शुरुआत है। दो दिन बाद जब ये मर्जर पूरा हो जाएगा तब एक और पार्टी होगी और आप सभी लोग वहाँ होंगे। उस पार्टी की जगह है एशियाना क्लब रिजॉर्ट। तो हम आपको इस पार्टी में उस पार्टी का इनविटेशन दे रहे हैं। ओके, सो प्लीज बी देयर। आना मत भूलिएगा, एशियाना क्लब। ओके ओके, फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए। सो एंजॉय योर ड्रिंक्स एंड वी बोथ विल जॉइन यू सून। एंजॉय योरसेल्फ। Come, let's have a picture. Sure. Thank you. Antara, तुम जरा प्रेस वालों को देखो, मैं गेस्ट से मिल लेती हूँ। ठीक है। Right? Okay. Hello. Hello. Have a drink, please. Enjoy yourself. Hello. How are you doing? Thank you. Hi. आपका प्रपोजल अगले बोर्ड मीटिंग पे लाते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट। मैडम, डेफिनेटली किसी की साजिश है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। प्लीज प्लीज को सीआईडी को फोन करिए। सर, इन लोगों का कहना है कि ये शैंडेलियर अचानक नीचे गिर गई, अंतरा वहां खड़ी थी और उसको बचाने के चक्कर में ये आदमी मारा गया। दया, इतना मजबूत शैंडेलियर इस तरह से अचानक गिरता ही कैसे है, ये बात मुझे हजम नहीं होती। सर, ये अचानक नहीं गिरा है, इसे गिराया गया है। गिराया गया? हाँ सर। सर ये देखिए, जिस चेन से ये बंधा हुआ था उसे काटा गया है। काटा गया? कोई ऐसा करेगा ही क्यों? मैं बताती हूँ, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। आपको? जी, इस शैंडेलियर के नीचे मैं खड़ी थी, मगर ये बेचारा मुझे बचाने के चक्कर में खुद मर गया। अरे, पहली बार नहीं हुआ, पिछले कई बार मुझ पर हमला हो चुका है। आपको किसी पर शक? शक नहीं, यकीन है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इंसान कौन है। कमाल है, आपको मालूम है कि कौन है, फिर भी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। मैं उसे पिछले 20 सालों से जानती हूँ, एक फैमिली मेंबर की तरह। फैमिली मेंबर? अच्छा, कौन है ये आपका फैमिली मेंबर? मेरी पार्टनर सुनिधि। सुनिधि? जी। सुनिधि कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं पता। एक मिनट, खुशी तुम्हें पता है
पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, शायद रिद्धिमा को मालूम हो। ये रिद्धिमा कौन है? सुनीति की सेक्रेटरी। बुलाओ उसे। रिद्धिमा, 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 क्या तुम जानती हो सुनीति इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर, मैं भी कब से उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। इसे भी प्रद्युमन या? हाँ प्रोफेसर यशवंत। प्रॉब्लम क्या है बताइए तो सही। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ओके, प्रोफेसर यशवंत का फोन है, उनके एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ प्रॉब्लम है। सो ये जिंदा है? इसके सिर पे इतना गहरा घाव है, लगता है किसी मेटल की चीज से मारा है इसे। प्रोफेसर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपके यहां ऐसा गुना हो ही कैसे सकता है? 24 घंटे इतनी हेवी सिक्योरिटी है यहां, फिर भी ये हुआ कैसे? सर यहां क्राइम तो हुआ है, कैसा मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूं सर। अगर ये खबर ऊपर तक पहुंच गई तो मेरी नौकरी और मेरा नाम पूरे मिट्टी में मिल जाएगा सर। वो कैसे? सर इस बेवकूफ की वजह से सब हुआ है सर। अगर इसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। नुकसान क्यों? या कोई चोरी हुई है क्या? सर खतरनाक बॉम्ब की चोरी हुई है। बॉम्ब? आपके लैब में बॉम्ब कहां से आया? हाँ सर, यहाँ पर स्पेशल टाइप की बॉम्ब की रिसर्च की जाती है सर। सर ये देखिए, एक निशान मिला है, शायद इससे हमें कुछ पता चल सकता है। ये तो किसी की उंगली का निशान है। सर ये निशान नकली है। नकली है? हाँ, पहले उसने यहाँ के किसी आदमी के उंगलियों के निशान कहीं किसी चीज के ऊपर से उठा लिए सर, फिर उसने उस निशान को एक ग्लव में लगा दिया और फिर वो ग्लव पहनकर उस ग्लव के जरिए इस लैब में घुसा, लैब का सेफ खोला और उसमें से बॉम्ब चुरा लिया। हाँ सर। यहां तो चारों तरफ सीसी कैमरा लगे हुए हैं, 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती होगी। एक काम करो, यहां के सारे स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स ले लो और इस फिंगरप्रिंट के साथ मैच करके देखो, देखो ये निशान किसका है। सर फ्रेडिक्स, कैमरा के सारे रिकॉर्डिंग्स अपने पास ले लो और चेक करो। यस सर। प्रोफेसर साहब, क्या आप इस बॉम्ब के बारे में हमें कुछ डिटेल दे सकते हैं? सर मैं बताता हूँ, ये एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है, अगर किसी भी गलत आदमी के हाथ में लग गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, कई कई मीलों तक लोग मारे जाएंगे सर। बोला था सर, उसने बताया था कि उसे सिलेंडर जैसा कुछ मिला है, उसे शक है कि वो बॉम्ब है। चलो सर। सर मैंने आपको फोन किया था। कहाँ है बॉम्ब? सर उधर डस्टबिन में सर। डस्टबिन में? आप लोग प्लीज जरा चलिए, चलो चलो पीछे हटिए, चलो। फ्रेडरिक्स। यस सर। वो संभल के खोलो। यस सर। सब पब्लिक को हटाओ यहाँ। हटिए, पीछे हटिए, चलो पीछे हटिए, चलो आइए 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 पीछे हटिए। हाँ, बॉम्ब डस्टबिन में है। चलो सर, आप लोग जरा पीछे हट जाइए, हम देखते हैं। ठीक है, चलो सब लोग पीछे हट जाओ। ऐसा बॉम्ब तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, और इसमें स्विच भी नहीं है और वायर भी दो ही हैं। मगर कौन सा वायर काटना पड़ेगा,
नॉर्मली तो पहले रेड वायर काटी जाती है ना, काट दो। सर मैंने बोला था सर, ये बॉम्ब दिखने में बिल्कुल ही अजीब था सर। सर शायद ये वही बॉम्ब था जो प्रोफेसर यशवंत ने बनाया था। इससे पहले कि कोई और धमाका हो जाए हमें उस बॉम्ब के चोर को पकड़ना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि दो इतने अच्छे दोस्त आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं। जब अपने जान पे बनाती है ना बॉस, तो ना कोई दोस्त रहता है ना कोई दुश्मन। आदमी को सिर्फ अपना भला दिखाई देता है और दूसरों का गला। ये कैसे हो गया? मैं यहाँ काम कर रही थी और ये पैर दर्द नहीं, ऊपर से गिर गया, मेरे ऊपर गिर सकता था। और आप? हम लोग CID से हैं। आपको लगता है ये किसी ने किया है? Of course, officer. ये मेरी पार्टनर अंतरा के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता। अंतरा? वो मुझे कब से मारने की कोशिश कर रही है। और ये सुनीति मैम आप ठीक तो है ना? पता नहीं लोग क्यों आपकी जान के पीछे पड़े हैं। मैम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं। आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, राइट? राइट। लेकिन ये मुझसे जलती है। मीडिया की सारी अटेंशन जो मुझे मिलती है, वो लोग मेरे बारे में ज्यादा छापते हैं। ओह प्लीज सुनिधि, अपने आप को इतना पवित्र साबित करने की कोशिश मत करना। अच्छा ये तुम्हारे दोनों बॉसेस सुनिधि और अंतरा के बीच में कुछ अच्छी नहीं बन रही शायद, चक्कर क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती। अभिजीत, किसी ने वाकई हुक्को काटा है। मतलब गड़बड़ है। सुनिधि ठीक कह रही है। किसी ने इस फैन से फोन करने की कोशिश की है। सर मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट चाहिए सर। क्या रेस्ट? वो भी केस के बीच में? प्लीज सर मुझे कुछ पता लगाना है सर, सिर्फ थोड़ी देर की बात है, प्लीज। ठीक है जा। कैसे हो? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आज मुझे फोन कैसे कर लिया? बस वो अरे ये तो हमारे कॉलेज के टाइम का एल्बम है। इस फोटो को देखो, याद है ये लड़की कौन है? ये तो, अरे हाँ याद आया, ये तो मोना है, मोना नाम है इसका। ये तो हमारे कॉलेज की हेड गर्ल थी। बताओ क्या बात है सर? एक के बाद एक नई नई बातें पता चल रही है सर। इस लड़की की एक सहेली है सर, और उसका नाम रिधिमा है सर। अरे रिधिमा तो इसका नाम है ना? नहीं सर, इसका नाम मोना है सर। मोना? अगर तुम्हारा नाम मोना है तो तुम सुनिधि और अंतरा की कंपनी में रिधिमा के नाम से क्यों काम कर रही हो? बोलो रिधिमा नाम क्यों रखा अपना? खुद में इसका भी हाथ है? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मेरे असली नाम की वजह से मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती थी। क्यों? तुमने कोई गलत काम किया है, क्राइम किया है? जी सर ऐसा ही है। 2 साल पहले मैं एक ड्रग रैकेट में पकड़ी गई थी और बस
उसके बाद मुझे काम मिलना मुश्किल हो गया था। हेलो, हाँ फ्रेडरिक, अच्छा फुटेज मिल गया, ठीक है हम लोग ब्यूरो पहुंचे। लैब में घुसने के लिए किसी और के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया है सर, पर सर उसे इतनी आसानी से ये फिंगरप्रिंट्स मिले कहां से? दया, ये लैब में काम करने वाले ही किसी आदमी ने दिया होगा। देखा कैसे बिना झिझक के सेफ खोल ली उसने? उसे सेफ का कोड नंबर पता था। कमाल हो गया सर, एक तो उसने फिंगरप्रिंट्स हासिल किए और ऊपर से सेफ खोलने का कोड भी मालूम किया। और एक बात अभिजीत, उस चोर ने बेचारे वॉचमैन का गला काटा मगर रोहन को छोड़ दिया। चाहता तो वो रोहन का भी गला काट देता। अरे उस बेचारे वॉचमैन के सिर पे ही मार देता जैसे उसने रोहन के सिर पे मारा है। पड़ा रहता बेचारा किसी कोने में बेहोश होकर, मगर नहीं। मतलब सर ये रोहन? और क्या मतलब हो सकता है दया, ये रोहन भी मिला हुआ है उस चोर के साथ और शायद उसी ने उस चोर को वो फिंगरप्रिंट्स भी दिए। सर ये जो दूसरा केस है ये भी काफी मजेदार है। दो औरतों वाला? जी सर। प्लीज चुप हो जाइए मैडम, प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बात है? सर मैडम पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की। गोली आप पे? जी थैंक गॉड मैं बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आप यहाँ बैठिए प्लीज, जस्ट रिलैक्स मैडम, आप यहाँ बैठिए, कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए। आप यहाँ बैठिए प्लीज। आप कहाँ थे जब ये गोली चली, तो आप कहाँ पे थे? यही थे, मैं कुर्सी पर बैठी थी। वो मुझे मार डालेगी। कौन कौन मैडम, कौन मार डालेगी आपको? सुनिधि, वो मुझे मार डालेगी। अभिजीत आ जाए। गोली यहां से सीधी चली है और सुनिधि का कमरा सामने है। ये भी सुनिधि का ही नाम है। गोली चली तो यहीं से है। ये सुनिधि कहाँ है? सर मैडम तो इस वक्त ऑफिस में नहीं है, इनफैक्ट जब आप लोग पहले ही आए थे तभी वो मीटिंग के लिए निकल गई थी। सुनिधि अगर ऑफिस में नहीं है तो फिर गोली चलाई किसने? बस रिधिमा। ये रिधिमा कहाँ है? वो भी ऑफिस में नहीं है, मैडम के निकलने की थोड़ी देर बाद वो भी निकल गई। सुनिधि के निकलने के थोड़ी देर बाद वो भी यहां से चली गई। बॉस कहीं ये रिधिमा हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा चक्कर है दया,
ये पहले शेंडलियर का गिरना, फिर पंखे का टूटना, ये गोली और इस बॉम्ब का चोरी होना। चोरी के उस रात क्या हुआ था जरा ठीक से याद करके बताओ, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। सर हमें जो पता था हमने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा सब कुछ बता दिया ना, तो फिर अब ये बताओ उस चोर ने तुम्हें कैसे छोड़ा, तुम्हें क्यों नहीं मारा? सर इस बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं सर? ए नाटक बंद करो और जबान खोलो। इतना तो तय है कि तुम दोनों में से किसी एक ने उसे एक कोड बताया है। कोड क्यों? कोड का नाम सुनते ही सांप सूंघ लिया है? बताओ जल्दी। सर डिटेक्टर पे जो फिंगरप्रिंट्स थे उसके रिजल्ट्स आ गए। ये फिंगरप्रिंट्स रोहन के। रोहन, रोहन तो तुम हो चोर के साथ ही। अब तक अपने आप को नादान बता रहे थे ना, तो अब बताओ तुम्हारी इन उंगलियों के निशान उस डिटेक्टर पर कैसे आए? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, उस वक्त तो मैं लैब में था, तो फिर मेरी उंगलियों के निशान वहां कैसे पहुंच सकते हैं? उड़कर तुम्हारी उंगलियां लैब में से उड़कर उस डिटेक्टर पर गई, उन्हें छुआ और फिर उड़कर वापस तुम्हारे पास आ गई है ना? सर आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा। इस बार अगर झूठ बोला ना। सर जरा इधर आइए। सच सच बताओ मुझे, कहीं चोरी में तुम्हारा हाथ तो नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जब चोरी हुई थी तुम लैब में नहीं थे, कहीं चोरी तुमने तो नहीं? बकवास मत करो तुम रोहन, मैं उस वक्त सिक्योरिटी के साथ था और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। पैडी 3005, अजीब सा नंबर है। क्या क्या कहा? पैडी 3005? हाँ पैडी 3005, ये हमें खुशी के घर से मिला है, एक कंप्यूटर चिप पर लिखा हुआ है ये नंबर। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये कोड खुशी के घर पे, ये कैसे हो सकता है? पैडी 3005 तो सिक्योरिटी कोड है। सिक्योरिटी कोड? हाँ मेरे सेफ का सिक्योरिटी कोड। ये कोड मेरी वाइफ पद्मा के नाम पे है। पद्मा? पैडी? पैडी का मतलब है पद्मा? जी हाँ, और ये डिजिट उसके बर्थ डेट पर है। डिजिट? तो फिर ये लैब का सिक्योरिटी कोड खुशी के घर तक कैसे पहुंचा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉम्ब की चोरी और उस खून में खुशी भी शामिल हो? लेकिन सर ये सिक्योरिटी कोड इस खुशी को कहां से मिला होगा? कहीं ये शेखर तो नहीं सर, क्योंकि खुशी शेखर की गर्लफ्रेंड है सर। ये देखिए शेखर, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। अगर तुम वाकई इस जुर्म में शामिल हो तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम साफ साफ बताओ ये मामला क्या है, बताओ। सर सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ खुशी की मदद की। वो बॉम्ब चुराने में उसका साथ दिया सर। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं खुशी से प्यार करता हूँ सर। उसके बाद खुशी ने क्या किया, कब किया, मुझे कुछ नहीं पता। ये खुशी इस वक्त कहाँ है? सर ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि उसके सर पे खून सवार है। उसने वो बॉम्ब कैनिस्टर क्लब एशियाना स्प्रिंग में कहीं पर रखा है। मगर वो बॉम्ब तो पहले फट चुका है। सर वो तो पहला वाला बॉम्ब था, ये दूसरा वाला है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा बॉम्ब? प्रोफेसर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि दो दो बॉम्ब रखे लॉकर में? सर दरअसल इतना सब कुछ होने के बाद मैं डर गया था सर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। आपकी डर की वजह से जानते हैं कितने लोगों की जाने जाने वाली, जानते आप? शेखर बताओ खुशी ने एशियाना स्प्रिंग क्लब में बॉम्ब कहां पर रखा?
सर ये तो नहीं पता, पर जहाँ मर्जर के डील के पेपर साइन होने और सारा फंक्शन होना है, उसने वो बॉम्ब वहीं पे कहीं पे लगाया है। सर अगर ये बॉम्ब फट गया ना तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अभिजीत हमें पहले वहां पहुंचना चाहिए। एशियाना स्प्रिंग क्लब। अभिजीत वाकई अगर बॉम्ब इस क्लब में है तो फिर वो अंदर गया कैसे? इतनी हेवी सिक्योरिटी है, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, फिर भी बॉम्ब अंदर घुसा कैसे होगा? सर उस बॉम्ब में मेटल नहीं है। सर खुशी को पकड़ते हैं, उसी ने तो लगाया ये बॉम्ब। सर लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट कम। या एसीपी साहब, सर आप लोग यहाँ? ये खुशी कहाँ है? खुशी तो हाँ, खुशी कहाँ है वो? एक मिनट, खुशी सर खुशी तो मेरे साथ ही बैठी थी, बस अभी बाहर गई है वो। अभी बाहर गई है वो? जी। फिर बात क्या है? खुशी ने आपके क्लब में एक बॉम्ब रखा है, बड़ा खतरनाक बॉम्ब। ओह माय गॉड, खुशी यहीं कहीं होनी चाहिए। तुम जाके उसे ढूंढो, पकड़ो उसे, देखो कहीं भागने ना पाए। चलिए आप गेस्ट लोग, चलिए आप सभी बात। मेन पार्टी तो हॉल में, वहाँ बहुत लोग हैं। ऊपर भी गेस्ट हैं। जी सर। फ्रेडिक्स विक, जल्दी से ऊपर के गेस्ट को भी बाहर निकालो, जल्दी। चलिए आप भी बाहर चलिए, चलिए प्लीज। चलिए बिल्डिंग में बॉम्ब है, हम लोग सीआईडी से प्लीज कॉपरेट, कम ऑन। जी, बताओ वो कैनिस्टर कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है तुमने? नहीं बताऊं। बताती हो या? कुछ भी कर लो तुम लोग, ना ही मैं बताऊंगी और ना ही वक्त रहते तुम उस बॉम्ब को ढूंढ पाओगे। बॉम्ब फटने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। ओह माय गॉड। और इन 15 मिनटों में तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो खुशी, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोगों की जाने जाने वाली है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहती हो तुम खुशी, हा? क्यों कर रही हो ये सब बताओ? अंतरा और सुनिधि को खत्म करने के लिए। अंतरा और सुनिधि को खत्म करने के लिए क्यों खुशी, हा? क्या किया इन दोनों? अंतरा और सुनिधि मेरी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी। 20 साल पहले पैसों के लालच में उन्होंने मेरी मॉम को जान से मार डाला। सारा बिजनेस हत्या कर ताकि किसी को सच्चाई का पता ना चले, और फिर हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ गया, और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। उस दिन पार्टी में भी शैंडेलियर का नीचे गिरना मेरा ही काम था। What? और सुनिधि के कमरे से अंतरा पर गोली भी मैंने ही चलाई थी। शक था कि ये सब तुम ही कर रही थी। और हाँ एसीपी साहब, उस दिन पार्क में बॉम्ब भी मैंने ही प्लांट किया था, ये देखने के लिए कि उस बॉम्ब से मेरा मकसद पूरा हो भी पाएगा या नहीं, और मेरा बदला पूरा हो जाएगा और साथ ही मेरे जीने का मकसद। इसलिए इस दुनिया में जीने का मेरा कोई मतलब नहीं। ये क्या किया तुमने, हा? ये क्यों किया तुमने? खुशी बताओ बॉम्ब कहाँ रखा है तुमने? देखो मासूम लोगों की जाने जाएगी, बताओ कहाँ रखा है? अब तुम
कर भी बम को फटने से नहीं रोक सकते। बताओ खुशी बताओ। जाओ ढूंढ लो, बम पार्टी हॉल में ही। पार्टी हॉल में? इस हॉल का कोना कोना छान मारो, सब लोग फैल जाओ, देखो कहीं ना कहीं तो बम मिलना ही चाहिए। सर 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 सर, एक तरीका है सर, सर अगर इस रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो बॉम्ब ग्लो करेगा अंधेरे में। सर उस बॉम्ब में ऐसा केमिकल है जो अंधेरे में ग्लो करता है। विवेक जल्दी से जाके मेन स्विच ऑफ करो, सब लाइट ऑफ करो जल्दी। संभल के अभिजीत, दया। शेखर, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोई और तरीका है? नहीं सर। नहीं कैसे हो सकता है, कोई तो तरीका होगा। सर ये बॉम्ब दूसरे बॉम्ब से अलग है, इसे डिफ्यूज करना नामुमकिन है। फ्रेडिक्स जल्दी से हेलीकॉप्टर मंगाओ। सर फ्रेडिक्स हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। यस सर। ये बॉम्ब मुझे दे दो, मैं इसे हेलीकॉप्टर में ले जाकर समुद्र में फेंक कराऊंगा। पर सर आप? नहीं सर, ये काम हम आपको नहीं करने देंगे। अभिजीत इस काम में खतरा है, मैं तुम दोनों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। लाओ मुझे दे दो। सर आप, आपकी जान हम लोगों से ज्यादा कीमती है। और फिर सर आपने हमें खतरों से लड़ना सिखाया, हमें कुछ नहीं होगा सर। तुम दोनों मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? नहीं सर प्लीज प्लीज। ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना, समझे? खुशी की मां की जान ली है और तुम दोनों ने खुशी को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है, उसे अपने जैसा एक खूनी बना दिया है। सर, हम तो बस... चुप! इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी जुबान बंद नहीं होती है? तुम दोनों की वजह से कितनी बर्बादी हुई उसका अंदाजा है तुम्हें? तुम दोनों को इस जुर्म की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हारा केस मैं खुद रीओपन करूंगा, देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। और रही बात बॉम्ब की, वो तो मेरे दो जाबाज ऑफिसर्स अभिजीत और दया अपनी जान की बाजी। हेलो सीआईडी ब्यूरो, क्या ठीक है? हम अभी आए। सर हॉस्पिटल से फोन था, हमें बुलाया। दया
तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ सर, हम लोग इतनी आसानी से मरने वाले नहीं सर। हाँ, कौन कहता है तुम्हें कुछ हो सकता है? सर वो सही टाइम पे हम लोग और पायलट समंदर में कूद गए, नहीं तो। हाँ वो सब ठीक है। देखो अब और एक तीसरे बॉम्ब की खबर आई है, उस बॉम्ब को भी हेलीकॉप्टर में ले जाकर फेंकना है तुम दोनों को। तुम दोनों तैयार रहना, समझे? आप खुशियां मनाने के लिए वक्त नहीं हमारे पास, चलो चलो जल्दी चलो। सर आपकी बार ये काम आप फ्रेडरिक्स को करने को बोलिए सर। नहीं मैंने कुछ सुना नहीं, समझे? मैंने कुछ नहीं सुना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.